मिशन थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू शॉल भील हेड करें श्री शैलेंद्र कुमार जी, माननीय उपराज्यपाल महोदय को शॉल भील करते हुए अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरणा दी है। और मुझे लगता है कि अभी जिस शब्द की बड़ी चर्चा हुई, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं बातों के लिए इस महत्वाकांक्षी अभियान का जन्म हुआ था। और मुझे भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए ये HADP गेम चेंजर साबित होगा। भारत भूषण जी अभी आपसे जिक्र कर रहे थे कानूनों का। पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अनुमति केवल एप्पल के क्षेत्र में ही थी, जम्मू रीजन उससे वंचित था। अब इस तरह के जो कानून थे जो लोगों में भेदभाव पैदा करते थे, अब इस तरह के कोई कानून जम्मू कश्मीर में नहीं रह गए, वो समाप्त हो गए। कल सभी DC साहिबान के साथ एक मैंने बैठक किया था जम्मू संभाग के, ये मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर साहिबान हैं, चाहे एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के या बाकी लाइन डिपार्टमेंट, उनसे मेरा निवेदन है HADP जिस गति से कश्मीर डिवीजन में आगे बढ़ रहा है, उस गति से जम्मू डिवीजन में बढ़े, इसके लिए थोड़ा विशेष प्रयास करने की जरूरत है। पुरस्कृत हुए ऐसे सभी किसान भाई बहन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अपनी तरह के इस अनोखे लीची फेस्टिवल में सभी किसान भाइयों और इसके कल्टीवेशन में इच्छुक तथा इसमें संभावना तलाश रहे सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मुझे शैलेन कुमार जी की ओर से सूचना मिली कि जम्मू में लीची महोत्सव मनाया जाएगा, तो मेरे मन में विचार आया कि खाने के लिए मीठी लीची मिलेगी, क्योंकि आम महोत्सव में मैं पहले कई बार शामिल हुआ हूँ, कई प्रकार के आम खाने को मिले हैं, लेकिन अब कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा, खाने के लिए लीची मिली नहीं। लेकिन खाने के लिए भले न मिली, आर्थिक रूप से संपन्नता के जो द्वार खोल रही लीची, मुझे लगता है कि ये जो मिठास पैदा कर रही है वो वास्तविक लीची के मिठास से ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि लीची फेस्टिवल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उस आकांक्षा का प्रतीक है जिसने हमें परंपरागत खेती से अलग हटकर